तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं रेहू मछली करी। और सामान्यतः हम लोग पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत कड़वी चटपटी रेहू मछली पसंद आती है। तो रेहू मछली बनाने के लिए हमको कुछ सामग्री चाहिए होती है, जैसे धनिया ले लिया, एक थोड़ा टमाटर ले लिया, थोड़ी तेज पत्ता, फिर मसाला। और मसाले में हमारे पास इसमें हमने गरम मसाले, धनिया, सरसों, लहसुन, प्याज और एक दो मसाले और जो है इसके साथ में हल्दी मिला के पहले से ही पीस के तैयार कर रखा है। आप देख सकते हैं इसका कलर। मैंने मछली को पहले ही हल्दी और हल्का सा नमक के साथ में और बेसन के साथ में मैरिनेट करके रख लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फिश के पीसीस को मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और इस कढ़ाई में हमेशा याद रखिएगा, शुरुआत में तेल को ज़्यादा गर्म रखिएगा, नहीं तो फिर जो फिश आप डालेंगे उसमें वो चिपक जाती है कढ़ाई में। तो आप उसमें तेल गर्म करके डालिए और थोड़ा सा धीरे 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 इसको फ्राई होने दीजिए, जब तक वो हार्ड ना हो जाए, इसका गुलाबी रंग एक इसमें अच्छे से ना आ जाए, क्योंकि ये पानी में फिर उसके रसे में डालने के बाद ये फटती नहीं है, वो उसी तरह पीस पूरा रहता है। तो आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा गुलाबी हो गया है, आपको इसी कलर में आपको फ्राई करना है। लगभग हमारी सारी फिश फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं इसको, इसका कलर काफ़ी अच्छा हो गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि अब इसके मसाले के लिए कैसे हमको इसके मसाले को पकाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ी सी मेथी, मेथी के दाने। हम थोड़ी मेथी के दाने, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मेथी के दाने मैं कढ़ाई में डाल दूंगा। और जब ये अच्छे से भुन जाएंगे, हल्के गुलाबी लाल हो जाएंगे, उसके बाद इसमें हम दो चार तेज पत्ते डालेंगे। और मैंने पहले से अपने पास दो चार तेज पत्ते रखे थे, वो मैं डाल देता हूँ इसमें से। ये थोड़े से ही भुन जाएंगे तेज पत्ते, फिर जो हमने पहले से ही एक गरम मसाला और सरसों और हल्दी धनिया सारा कुछ मिला के, मिर्च विर्च मिला के, प्याज लहसुन पीस के रखा हुआ था, वो मसाला हम इसमें मिला देंगे। और इसको धीमी आंच पे धीरे 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 इसको पकाएंगे, जब तक ये मसाला अपना तेल ना छोड़ने लगे। हमेशा इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से पकड़ के जल जाएगा। बीच बीच में जब भी हर 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे इसको कसूर से चलाते रहिए, अच्छा पकड़ लेगा। और इसका इंतजार करिए जब तक ये अपना रंग ना छोड़ने लगे और उसका कलर जो है गोल्डन, एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, उस तरीके से। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है काफ़ी अच्छा हो गया है। अब ये तेल भी छोड़ने लगा है, हम इसको पास से चेक करेंगे, देखेंगे तेल छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है ये। लग रहा है, हाँ अब ये तेल लगभग लगभग छोड़ने लगा है। बस अब इसमें हम हल्का सा और पका के इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी मिलाएंगे। पानी उतना मिलाना है जिसमें आपका रसा गाढ़ा भी रहे और सबके लिए हो जाए। ज़्यादा पानी डालने से रसा पतला हो जाएगा, तो मैं इसमें सिर्फ एक कटोरा पानी मिलाऊंगा, क्योंकि मेरी जो फिश है लगभग 600 ग्राम के आसपास थी रेहू फिश। और नमक अपना स्वाद अनुसार डालिए, कुछ लोग बाद में भी डाल लेते हैं, मैं थोड़ा कम डालता हूँ, मुझे कम पसंद है नमक, तो आप नमक बाद में डालिए। जब पानी आपका या रसा आपका कस के खौलने लगे, जब वो लगे कि हाँ अब ये मसाला और पानी आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है, उसके बाद उसमें थोड़े से टमाटर मिला लीजिए। टमाटर मिलाने से उसमें एक हल्का सा खट्टा अपने का टेस्ट आता है, जो आपका फिश में एक अलग ही स्वाद देता है।
मैं थोड़े से, एक टमाटर मैंने पहले से ले रखा था, मैंने काट के उसको मिला दिया। अब इंतज़ार करते हैं जब तक ये इस अच्छे से खोलने लगे और ये पक जाए पानी, उसके बाद इसमें हम फिश के जो फ्राई किए हुए पीसीज रखे थे वो हम मिलाएंगे। अब मेरा रसा अच्छे से खोलने लगा है, अब उसमें हम फ्राई के पीसीज मिला लेते हैं। देख सकते हैं आप इसका रसा काफ़ी अच्छा हो चुका है और फिश भी अच्छे से पक रही है। और कुछ लोगों को इसमें धनिया डालना पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन मैं धनिया डालता हूँ, मुझे धनिया पसंद है सब्जियों में, तो मैं इसमें थोड़ी सी धनिया भी बाद में ऐड करूँगा इसमें। अब रस बन के तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने जो पहले ही बारीक धनिया काट के रखी हुई थी वो इसमें मिला देंगे। धनिया मैंने ऊपर से डाल दी है। बस इसके बाद मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, और 10 मिनट में हमारी रेहू फिश मछली बनकर तैयार हो जाएगी खाने के लिए। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।